कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत आपकी वेब सीरीज के लिए, ट्रेलर काफ़ी धमाकेदार लग रहा है, क्या कहना चाहिए आपके कैरेक्टर के बारे में? थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट कि आपको ट्रेलर पसंद आया है, बिकॉज यार वी've डन सीज़न वन एंड पीपल हैव लव्ड सीज़न वन, तो उम्मीद यही है कि सीज़न टू भी लोगों को बहुत पसंद आए. ऑफकोर्स आई लव द म्यूज़िक, आई लव द फील्स ऑफ सीज़न टू, बट मैंने अभी तक शो देखा नहीं है. मैं शो अपने फैंस के साथ ही देखूंगी, सो उम्मीद है कि दे लव इट, फिंगर्स क्रॉस्ड. ओके, जो आपका कैरेक्टर है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉयर का रोल आप निभा रहे हैं, साथ साथ कॉर्पोरेट ऑफिस के बारे में है कि केस जितना बहुत इम्पोर्टेंट है जी, कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट का जो होता है पंगा या वो थोड़ा अगर आप बता सके तो. ऑफकोर्स नई फर्म शुरू की है निहारिका ने पुनीत के साथ, तो वो शुरुआत के दिनों में थोड़ा मुश्किल होता है टू मेक द फर्म, टू मेक द मनी एंड ऑल्सो टू यू नो फाइट फॉर केसेज दैट यू बिलीव इन. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. ऑफकोर्स अप्स एंड डाउन्स हैं, बिकॉज द थ्री केसेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इस सीज़न में दे नॉट गोन बी ईजी, बट दे गोन बी सुपर फन, सुपर इंटरेस्टिंग. तो उम्मीद यही है आप सबको बहुत मज़ा आए इन केसेस को सॉल्व करते हुए देखते हुए. जो लॉयर का जो कैरेक्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, असल में भी इम्पोर्टेंट होता है. आपने देखी होगी हाल ही में एक फिल्म भी आई है साउथ में, जय भीम, उसके बारे में भी काफ़ी बात हुई है, वो भी जुडिशरी के ऊपर है, लॉ के ऊपर है. तो आपका कैरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट होगा इस वेब सीरीज के लिए? क्या ये चर्चा होगा हर रोज़, मतलब बात होगी जुडिशरी में जो रिफॉर्म लाने के लिए? एक्चुअली मुझे उस फिल्म का तो कॉन्टेक्स्ट नहीं पता जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बट हमारे शो की जहाँ तक बात करें, इट इज़ ऑफ कोर्स निहारिका इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द शो. तो ये निहारिका की कहानी है एंड उसकी जर्नी वी आर फॉलोइंग थ्रू सीज़न वन एंड नाउ सीज़न टू. ऑफकोर्स हम रेलिवेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि वेदर इट्स ट्रोलिंग, वेदर इट्स टॉकिंग, वेदर इट्स मनी लॉन्ड्रिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द रेलिवेंट थिंग्स जो अभी सोसाइटी में हो रहे हैं. आई थिंक इट्स जस्ट अ वे फॉर अस टू ब्रिंग इन अबाउट सम अवेयरनेस एंड लाइक हाउ निहारिका फाइट्स फॉर ऑल द गुड कॉज. आई होप दैट इन दिस कंट्री एंड इन everywhere else in the world as well, we don't troll people anymore, we don't stalk people anymore, and we don't do anything that's not by the law. Niharika ka jo case hai wo important hai kyunki usse judiciary se kahin na kahin asar dega politics mein, to ye kya hai connection, thoda kuch aap bata sake? Actually ji 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 ji, actually is baar ek bahut dhamakedar baat ye ho rahi hai ki JJ lawyer to hai hi saath mein वो कुछ एक पॉलिटिकल पोजीशन के लिए भी फाइट कर रहे हैं एंड इट गेट्स मर्कियर एंड इट्स गेट्स मच मोर स्पाइसियर, बिकॉज अब शी इज़ नॉट ओनली फाइटिंग जनार्दन जेटली द लॉयर बट ऑल्सो लाइक दिस पॉलिटिकल फिगर मे बी, सो वॉच आउट फॉर सीजन टू टू नो. तो आपने इस किरदार के लिए कोई लॉयर का कोई आपने स्टडी किया था वर्कशॉप लेते हुए? ऑफकोर्स आई मीन सीजन वन के दौरान जब हमने शूटिंग शुरू की थी, वी वर एक्सटेंसिवली टोल्ड हाउ लॉ फर्म्स फंक्शन, क्योंकि लॉयर्स की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को दिखा रहे हैं हम इस शो में, विच जनरली नहीं होता है, सिर्फ कोर्ट रूम तक ही रह जाता है. हियर वी वर ट्राइंग टू डू अ गुड बैलेंस बिटवीन द टू, सो वी डिड ऑल द सॉर्ट्स ऑफ रिसर्च दैट वॉज नीडेड ताकि इट लुक्स रियल, इट फील्स लाइक आप एक लॉयर की जिंदगी से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, सो वी मेड श्योर दैट इट्स गुड. मीडिया का प्रेशर भी होता है लॉयर्स के और जजेस के ऊपर जिनके, तो अगर आप बता सके तो कितना आपके ये शो के अंदर कितना है ये? व्हाट्स जस्ट ये लास्ट क्वेश्चन.